डायरेक्टर जगन शक्ति के डायरेक्शन में बन रही फिल्म मिशन मंगल की सुर्खियां काफी जोरों शोरों से हो रही है। जब से इस फिल्म का टीजर आया है, दर्शकों को अक्षय कुमार की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। अक्षय कुमार के अलावा फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, शर्मन जोशी और भी कई बड़े सितारे। दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार का जो टीजर सबके सामने आया था वो काफी ज्यादा हिट रहा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया। जैसे ही टीजर सबके सामने आया, दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर को लेकर डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि टीजर में केवल सभी का एक एक लुक सामने आया था और साथ ही लास्ट में भारत के प्रतीक ऐसी टोन आई जिसने सभी के मन में देशभक्ति की भावना लीन कर दी। अब सभी इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही देखने चाहते हैं। अब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि ट्रेलर किस तारीख को रिलीज होने वाला है। फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर तारीख बुक कर दी गई है 18 जुलाई। 18 जुलाई का ये ट्रेलर हम सबके सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कीर्ति कुल्हारी ने, जो कि फिल्म की एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी। फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर 18 जुलाई को आएगा, साथ ही ये लगभग 2.5 मिनट का ट्रेलर होगा। पहले बताया जा रहा था कि अक्षय कुमार का फिल्म के अंदर कैमियो रोल होने वाला है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अक्षय कुमार इसमें इसरो के चीफ साइंटिस्ट राकेश धवन के किरदार में हम सबको नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी और विद्या बालन और तापसी होंगी, और जबकि अन्य एक्ट्रेस का भी मुख्य किरदार होगा। शर्मन जोशी भी काफी समय बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगे, जिनकी अदाकारी देखने के लिए लोग काफी समय से बेताब भी हैं। खैर, अक्षय कुमार की केसरी के बाद इस साल ये दूसरी फिल्म होगी। हालांकि अक्षय का किरदार उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि अक्सर फिल्मों में होता है, क्योंकि फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 एक्ट्रेस शामिल है, जिसमें कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ ऐसे लोग हैं जो फिल्म का ध्यान अपनी ओर खिंचवाएंगे। वहीं अक्षय कुमार फिल्म में काफी बेहतरीन लुक के साथ नजर आ रहे हैं। साइंटिस्ट के किरदार में अक्षय खूब जम रहे हैं। मिशन मंगल के ट्रेलर के लिए आपको कितना इंतजार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।